नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग आजमगढ़ द्वारा जनपदीय युवा उत्सव के अंतर्गत आयोजित सांस्कृतिक प्रतियोगिता प्रतिभा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आजमगढ़ में संपन्न हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा मां बीड़ा वादिनी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि जनपद में प्रतिभा की कमी नहीं है, उन्हें उचित प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाने के लिए युवा कल्याण विभाग जो प्रयास कर रहा है वो सराहनीय है। ग्रामीण अंचल के कलाकारों की लुप्त कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए युवा कल्याण विभाग एक मंच प्रदान कर रहा है, ये सराहनीय प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि सांस्कृतिक प्रतियोगिता के माध्यम से कलाकार मंडल राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान प्राप्त कर अपने जनपद का नाम रोशन करें, यही मेरी शुभकामना है। जिला युवा कल्याण अधिकारी डॉक्टर राजनीति सिंह ने मुख्य अतिथि एवं जनपद के कोने कोने से आए हुए कलाकारों का स्वागत करते हुए प्रतियोगिता के बारे में प्रकाश डाला। प्रतियोगिता का समापन डॉक्टर निशा यादव प्राचार्य अग्रसेन महिला महाविद्यालय आजमगढ़ द्वारा किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि युवा कल्याण विभाग ग्रामीण एवं शहरी अंचल में छिपे हुए कलाकारों को मंच प्रदान कर रहा है, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। निर्णायक मंडल में डॉक्टर निशा यादव प्राचार्य अग्रसेन महिला महाविद्यालय आजमगढ़, अनिता यादव प्रवक्ता संगीत अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज आजमगढ़, साधना त्रिपाठी प्रवक्ता संगीत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ एवं सपना बनर्जी रही। प्रतियोगिता का संचालन सुनील विश्वकर्मा द्वारा किया गया। प्रतियोगिता का परिणाम के अंतर्गत लोक नृत्य में रवि श्रीवास्तव, ब्रजेश यादव, प्रार्थना श्रीवास्तव, रुचि श्रीवास्तव, रागिनी पांडे, रिया गौड़, काजल प्रजापति, रिमझिम अनुष्का आदि प्रतिभा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रथम, रिया तिवारी, खुशी राय, हर्षिता यादव, सिप्रा मदेसिया, सोनाक्षी, प्रेरणा गुप्ता, श्वेता सोनकर आदि इंटरनेशनल स्कूल एलवल द्वितीय, मुमेश कन्नौजिया, आलोक राकेश, बुद्धिप्रिय गौतम, उमाशंकर, आशीष राहुल, आदर्श गौड़, विकास कुमार आदि विकासखंड लालगंज तृतीय लोकगीत में, विजय प्रताप तिवारी, बादल भूषण मिश्रा, विपुल पांडे, सूर्यभान आदि विकासखंड पलनी प्रथम, सौरभ सम्राट, ब्रजेश कुमार, रविंदर कुमार, सतीश कुमार, रविकांत आदि विकासखंड अजमतगढ़ द्वितीय, बच्चा अंजुम, गुलाम अली, अबू सामा, मुस्किम अहमद आदि विकासखंड बिलरियागंज तृतीय, तबला वादन में सूरज मिश्रा प्रथम, पुरस्कार मिश्रा द्वितीय, शास्त्रीय गायन में अंबर मिश्र प्रथम, विक्की मिश्र द्वितीय, अवनीश मिश्र ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत वर्मा, विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्रुव चंद मौर्य, उप क्रीडा अधिकारी राज नारायण, पूर्व रेंजर वन विभाग नागेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व जिला युवा कल्याण अधिकारी श्री वंश पांडे, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी सुरेंद्र जगदीश प्रसाद यादव, माता प्रसाद यादव, रोहित कुमार यादव, अनीस कुमार मौर्य, अखिलेवर मौर्य, देवेश मिश्र, आस्था सिंह, उमेश कुमार, वरिष्ठ सहायक शरद कुमार वर्मा, शिवमोहन सिंह आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवर। राजनेश सिंह, जिला युवा कल्याण अधिकारी आजमगढ़, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा जनपद स्तरीय युवा उत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें लोकगीत, लोक नृत्य, हारमोनियम वादन, तबला वादन, एकांकी आदि विधाओं में प्रतियोगिता आयोजित की गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधिकारी आजमगढ़ महोदय द्वारा किया गया। यह एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कल मंडल स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसका शुभारंभ आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ द्वारा किया जाएगा। यह ग्रामीण अंचल एवं शहरी अंचलों में जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, कलाकार हैं, वह आगे बढ़कर अपना कौशल दिखावें, इस प्रतियोगिता का यही उद्देश्य है।